बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम टुडे माय टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड आई एम अ प्रेजेंटेशन टू स्टार एंड माय नेम इज़ गुलशन टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं तो नेक्स्ट वन इसकी स्लाइड में हम जो है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली ट्यूबलर एंड शेप स्ट्रक्चर ट्यूबलर ट्यूबलर एंड रोड शेप कनेलिस फाउंड इन द साइटोप्लाजम ऑफ मॉस सेल एंड प्रोड्यूस एनजाइम फॉर द मेटाबोलिक कन्वर्जन ऑफ फोटू एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये हेल्प करता है एनजाइम के थ्रू ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको कन्वर्ट करता है फूड में माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग न्यूट्रिय इंटो एनर्जी योलिक्यूल वो कौन सा मोलिक्यूल है ए आई उसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू फीड द सेल एक्टिविटीज और नेक्स्ट द फंक्शन दिस फंक्शन नोन एज एरोशन आर फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ सेल एरोबिक इसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो जो ऑक्सीजन जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको एरोबिक कहते हैं हम तो ये रिस्पायरेशन आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे स्ट्रक्चर द साइज शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकिया वेरी एंड डिपेंड अपॉन द फिजोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द सेल जो साइज शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकिया है वो हर सेल में डिफरेंट होंगे उसके फिजोलॉजिकल स्टेटस के लिहाज से मीन्स के सेल के और बट एक्चुअली द दे आर ओवल शेप स्ट्रक्चर दे दे रेंज इन साइज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट जीरो माइक्रोमीटर इन लेंथ में एंड जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट एट माइक्रोमीटर इन डाया मीटर नेक्स्ट हम इसके माइटोकड्रिया मेट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो माइटोकड्रिया है वो डबल मेमरेनियस ऑर्गनेलिज है तो द रीजन ऑफ माइटोकोंड्रिया इनक्लोज बाई इनर मेम्रेन इज कार्ल्ड माइटोकोंड्रियन मैट्रिक्स माइटोकोंड्रियन मैट्रिक्स में हम स्टडी करेंगे इट इज़ अ जेल लाइक मटीरियल विच कंटेन मैनी स्मॉल राइबोसोम एंड ए मोलिक्यूल ऑफ डी एन ए द मैट्रिक्स आल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ एनजाइम एंड को एनजाइम जो मैट्रिक्स हैं इसमें बहुत से एनजाइम और कोनजाइम होते हैं द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेमब्रेन स्पेस नेक्स्ट वन इसका हम डायग्राम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स उन्होंने दिखाए हुए हैं स्पेस आउटर और इनर के दरमियान में जो है आउटर मेम्ब्रेन दिखाई है बाहरी कवरिंग है जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग में और उसके नेक्स्ट वन हम इनर मेम्ब्रेन देखेंगे यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ये यहाँ और फिर हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उन्होंने ये दिखाई हुई है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे नेक्स्ट उन्होंने क्रिस्टी बताई है वो फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की उसको हम क्रिस्टी बोलेंगे यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं ना क्रिस्टी ये नेक्स्ट हम इसके आउटर में के बारे में स्टडी करेंगे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कार्ड पायरोन और पायरोन अलो मोलिक्यूल्स टू फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड ऑफ द मे टू द अदर आउटर मेम्ब्रेन में हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूल इसमें फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर नेक्स्ट इसके हम डायग्राम में बताएंगे आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन यहाँ ये दिखाई हुई है ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी इसके आगे हम दिखाएंगे इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे तो नेक्स्ट इसकी ये जो फोल्डिंग है ये वाली ये फोल्डिंग इनको क्रिस्टी बोलेंगे हम ऐसे क्रिस्टी बोलेंगे इनको और जो इनके दरमियान स्पेस है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स नेक्स्ट वन इज इंटर मेम्बरेन स्पेस तो इसको हम प्री माइट्रोकॉन्ड्र स्पेस भी कहते हैं बिकॉज द आउटर मेमब्रेन इज फ्रीली परमीएबल टू स्मॉल मोलिक्यूल द कंसलटेशन ऑफ स्माल मालिक्यूल सच एज आइंस एंड शुगर इन द इंटर मेम्रेन स्पेस इज द सेम एज साइट नेक्स्ट हम इसके डायग्राम में देखेंगे इंटर मेमब्रेन स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्बरेन एंड द इनर मेमब्रेन इसमें इनर आउटर मेम्बरेन कवरिंग है जिसके और फिर नेक्स्ट वन इनर मेमब्रेन यहाँ इसकी इसकेटिवी सेंस हो रही है और ये हम उन्होंने दिखाया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे जिन्होंने उन्होंने नैरो के थ्रू बोल्ड करके दिखा दिया है नेक्स्ट वन हम इसमें इनर मेमब्रेन स्टडी करेंगे इनर मेम्ब्रेन दोज दैट परफॉर्म द रिडोक्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉसफोरलाइजेशन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रेगुलेट मेटाबुलइट पासज इंटू एंड आउट ऑफ द मैट्रिक्स इसमें हम स्टडी करेंगे कि इनर मेम्रेन में जो प्रो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं और जो मेटाबोलाइट्स की पासज में हेल्प करती हैं सेल के बाहर और मैट्रिक्स के बाहर और अंदर आने में इसको इनर मेम्ब्रेन को हम प्रोटीन इंपोर्ट मशीनरी भी बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया फीन एंड फिशन प्रोटीन भी बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होती है फीन एंड फिशन नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे इसके डायग्राम के डिब्बल ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनालीज होती है तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं यहाँ पे तो ये इसके नेक्स्ट इनर मेम्ब्रेन एरो से बोल्ड कर दिया तो हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन इसके ये वाली इसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे क्रिस्टी ये इनर मेम्ब्रेन की जो आगे नेक्स्ट फोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टी बोलेंगे और इनके दरम्यान जो स्पेस है उसको मैट्रिक्स नेक्स्ट वन इज़ मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इज़ द स्पेस इन बाय द इनर मेम्ब्रेन पीछे हम बात कर रहे थे जो कि इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उनको हम मैट्रिक्स बोलेंगे इट कंटेन अबाउट टू से थ्री परसेंट ऑफ़ द टोटल प्रोटीन इन ए माइटोकिया ये जो टोटल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसके दो से तीन परसेंट पर मुश्तम होता है मैट्रिक्स द मेट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी विद द एड्स ऑफ ए टी पी सेंसेस कंटेन इन इनर मेमब्रेन जो माइडो है वो एटीपी की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है वो प्रोडक्शन एटीपी की कैसे करेगा एटीपी सेंसेस एंजाइम है उसके थ्रू वो इनर मेम्ब्रेन में एटीपी की सेंसेस करेगा नेक्स्ट वन हम इसकी देखते हैं ये बताया हुआ द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन दैट अलो मोर मोर सरफेस एरिया एनहांसिंग इट अबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी जैसे हम पीछे बात करके आए हैं के ये उन्होंने दिखाई है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से इसके नेक्स्ट वन हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन और नेक्स्ट वन इनके दरमियान में जो स्पेस है आउटर और इनर के दरमियान उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने इनर मम्ब्रेन पे इनर मेम्ब्रेन है उसको जो फोल्डिंग उसकी बनी हुई है ये यहाँ पे इसको हम क्रिस्टी बोलेंगे और इनके दरमियान में जो स्पेस है वो मैट्रिक्स तो हम बात कर रहे थे कि ये सरफेस एरिया अलाउ करती है फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी तो यहाँ पे सरफेस एरिया है तो ये एटीपी को प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया मुहैया करती है नेक्स्ट वन इज़ हम बात कर सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में द इनर सर्फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी सतह होती है कंटेन मैनी स्मॉल पार्टिकल्स बहुत से छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनको हम ऑक्सीसॉम कहेंगे ईच पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ ए बेस आस्टाक जिसको हम एफ नोट पार्टिकल या एफ ज़ीरो पार्टिकल भी कह सकते हैं एंड ए स्फेरिकल हेड एफ वन पार्टिकल उसको कहेंगे जो ये सारी बताया हमने द होलोकोड पार्टिकल्स लुक लू कलमोस लाइके लॉलीपॉप लॉलीपॉप की तरह नजर आएंगे ये जैसे ये ये स्फेरिकल हेड बना दें हम यहाँ पे और यहाँ पे ये उसकी स्टाक बन गई है तो ये स्फेरिकल हेड है इसको हम एफ वन पार्टिकल बोलेंगे और इस टाक को एफनोड पार्टिकल ये सारा एक लॉलीपॉप की शक्ल में नज़र आ रहा है तो इसलिए इसको लॉलीपॉप बोला गया है तो द लॉलीपॉप लाइक सम माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल इज एक्चुअली द एंजाइम ए टी पी सेंसेस दैट कपल फॉसफोरशन ऑक्सीडेटिव फॉसफोलाइजेशन दैट इज़ वाई ये जो लॉलीपॉप लाइक माइट्रोकॉन्ट्रेट पार्टिकल हैं ये ए टी पी करते हैं ये ए टी पी ऑक्सीडेटिटेज एंजाइम है जो कपल करेगा ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन के साथ और यही वजह है कि दैट इज़ वाई दे आर समाइम कार्ड एज कपलिंग फैक्टर इसको हम कपलिंग फैक्टर बोलेंगे क्योंकि एक, एक दूसरे के साथ कप... सेमी आइटोनोमियस इसमें हम बोलेंगे बताएंगे कि माइटो कॉन्ड्रिया है सर्टेन डिग्री ऑफ आइटोनोमी एज दे कंटेन देयर ओन डीएनए हम माइटोकोंड्रिया को ऑटोनोमस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका डी ये ये खुद अपना डीएनए तैयार कर सकता है इसका अपना डीएनए होता है आगे उन्होंने एक सेल दिखाया हुआ है यहाँ पे और इसमें उसने ऑर्गनेलिस के बारे में बताया तो ये माइटोकोंड्रिया उन्होंने माइट्रोकोंड्रिया को यहाँ पे बोल्ड करके दिखाया है और उसकी जो हम पीछे उसकी एक्टिविटीज पढ़ आए हैं तो वही बता रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वन इज हम इसके नेक्स्ट हम इसके फिजोलॉजिकल रोल स्टडी करेंगे फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय माइटोकड्रिया दिस इज हेयर फर्स्ट वन इज क्रैप साइकिल आल्सो कार्ड टी सी ए साइकिल इज ऑपरेटेड विद इन माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स इसको हम टी सी ए साइकिल भी बोलेंगे क्योंकि ये हमने पिक्चर देखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पे यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन होगी क्रेप साइकिल की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के दरमियान और द रेस्पिरेटरी चेन आल्सो कार ई टी सी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेड्यूस कोम टू मोलिकुलर ऑक्सीजन कपल विद ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन और थर्ड इज वन इज का है जो पॉइंट वो ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन आल्सो अकर माइटोकॉन्ड्रिया तो आज का हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया तो लास्ट स्लाइड थैंक यू